ओके गाइस, हम लोग इस वक्त नोड़ी फोर्ट्रेस में आ चुके हैं। ये रहा नोड़ी फोर्ट्रेस और अभी अंदर चलते हैं। नोड़ी फोर्ट्रेस में से पता नहीं 14th सेंचुरी में ये चीज़ें लिखी गई थी। अगर आप इसको फील करें ना, तो जैसे इसको बहुत प्रॉपर जैसे किसी ने मशीन से लिखा हो। अब जो यहाँ के लोग हैं वही इसको रीड कर सकते हैं। पीछे इस तरह की खुदाई की गई थी और यहाँ पे उन भाई के मुताबिक यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस जो होती थी वो खड़ी होती थी और यहाँ पे गन्स वगैरह और जो भी इनका बारूदी सिस्टम होता था। वो लोग यहाँ से निकल के कहीं शायद वो सामने पहाड़ी होगी वहाँ से रास्ता निकाला होगा, कुछ भी हो सकता है। इसको तो अभी फ़िलहाल क्लोज किया गया है, यहाँ पे अंदर कोई भी नहीं जा सकता। तो अगर ये जो भी जाएगा, जो यहाँ की गवर्नमेंट है उन्हीं को मालूम है ये रास्ता कहाँ को निकलता है। अच्छा गाइस, ये इधर लॉक लगा हुआ है और ये पावर टावर है जहाँ पर बेल बजाई जाती है। अब इस बेल्स वाले सिस्टम को बंद कर दिया गया है और उस वक्त के जो यहाँ के पादरी थे और जो एक सिस्टम था, एक मिलिट्री सिस्टम था, वो इसको एक हैंडल करता था। जब ये जंग हुई है तो ये जो चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ से, ये लोग एक यानी कि वार करते थे, दूसरों पे हमला करते थे। यार आपको पता है मुस्लिम या रश जो भी एक सिस्टम था, इनकी जंग चलती थी। ज़ाहिर है वो इनकी जो एक इबादतगाह है तो वहाँ पर ये लोग हमला करते थे। जो उनके बड़े बड़े पादरी या बड़े बड़े वहाँ के उस टाइम वज़ीर होते थे वो इस टाइम वहाँ यहाँ पर स्टे किया करते थे। ये देखें गाइस, यहाँ से देखें, यहाँ से भी ये लोग अटैक करते थे। देखें जैसे नीचे से लोग आ रहे हैं, यहाँ से खड़े होकर ये लोग कोई बारूदी बारूद फेंकते थे या कोई बम फेंकते थे, जैसे वो गोल टाइप के होते थे, यहाँ से अटैक भी करते थे। और ये आप चीज़ें देखें किस तरह से इन्होंने प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें बनाई हुई हैं। अगर इसके ऊपर कोई चढ़ने का सिस्टम होता ना तो मैं आपको ज़रूर बताता। ये इतना बड़ा है और इतना ऊंचा है, इसको मैं एक कैमरे में कवर नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे लोगों का हर टाइम रश ही होता है। आप देखेंगे हर टाइम यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे होते हैं। ये चीज़ें देख के यानी कि हम 14th सेंचुरी में पहुँच गए। उस टाइम देखिए किस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी और आजकल के हमारे जो इंजीनियर हैं ना, वो ये चीज़ें नहीं बना सकते, उनमें ये दम ही नहीं है। बेशक वो बुर्ज खलीफा बना देंगे, एक से एक टावर बना लेंगे, लेकिन ये जो माइंड सेट है ना, इसको आप देखें ना, इंसान कहता है कि यार बुर्ज खलीफा इसका के कुछ नहीं है। ये देखें, ये इनकी छुपी हुई सुरंगें, यहाँ पे वो लोग घुस के अक्सर कोई जब दुश्मन को देखते थे यहाँ से अटैक कर देते थे जब कुछ नज़र आता था। लेकिन बड़ी सीक्रेट सुरंगें हैं, अगर आपको नज़र आई, देखें बंदे की सोच भी नहीं जाती है अगर ये कवर हो। ओके
गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर और यहाँ पे क्या है, ओह माय गॉड, यहाँ पे उस वक्त आर्मी यहाँ पे खड़ी होती थी। देखें ये लकड़ियाँ वगैरह भी कुछ लगी हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ खड़ा होने का सिस्टम होगा लाजम, वरना इस तरह तो ये नहीं बन सकता। ये देखें, और मुझे लगता है यहाँ पे कुछ दरवाजे थे उनको क्लोज कर दिए गए हैं, जो इमरजेंसी सीक्रेट होते थे, जो सिर्फ यहाँ के बादशाहों को और यहाँ पे काम करने वालों को जो पता होता था। ओके गाइस, ठीक है ठीक। अच्छा गाइस, ये रहा यार ऊपर से इसका व्यू, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और ये इनका अपना निशान है। अब लोग ये यहाँ से इंटर होने वाले हैं, अभी इंटर होके देखें, ये यहाँ से इस तरह ये रास्ता बना हुआ है ऊपर जाने का। देखो वाओ यार, ये इनके रूम है, यहाँ पे ये लोग सोते थे। ये देखें, मैंने जैसा बोला था ना, लकड़ियाँ वहाँ पे टूटी हुई हैं, इसी तरह की लकड़ियाँ वहाँ पर नहीं होती थी, तो वहाँ से ये लोग खड़े होके, लेकिन वो सिस्टम बना हुआ है, मिलिट्री वहाँ से अटैक करती थी, वो गन की जगह बनी हुई है। और ये रोशनदान भी आप कह सकते हैं, विंडो यार सुपर अमेजिंग। ये देखें रूम यार किस तरह से ये बनाए हुए हैं, एक ऊपर भी है, ये यहाँ पे खड़े होके पूरा एक अटैकिंग सिस्टम होता था यार। मुझे समझ नहीं आ रही जिस तरह हमारी मस्जिद है, हम वहाँ पे कुछ इबादत करते हैं, इनकी इबादत गाह में ऐसा क्यों बनाया गया था। हियर यू कैन सी, यहाँ पे हम लोग ऊपर आ भी गए हैं, और अगर आप ये लोग देखो यार, बहुत ही आला। और ये बिल्कुल नाजुक हुआ है, गिर भी सकता है। ये हम बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं। अच्छा एक रूम ये भी है यार, उस वक्त की किस तरह की ये VIP, इसको आप VIP रूम कह सकते हो, ये उस वक्त खिड़कियाँ नहीं होती थी तो ये इस तरह का सिस्टम बना था यार, अमेजिंग, ओह माय गॉड। गाइस हम ये बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ओपन था, इन्होंने शायद ये बंद किया है, यहाँ से भी अटैकिंग का सिस्टम है, ये भी यहाँ से वार। देखें अगर आप नीचे नज़र आ रहा हो ना, यहाँ से भी लोग मिलिट्री वाले गन से शूटिंग वगैरह फायरिंग वगैरह करते थे, और ये रहा रास्ता। और अब आए हम लोग नीचे उतरते हैं, अब मैं आपको नीचे उतरते हुए बताता हूँ कि किस तरह का लगता है ये रास्ता। ओके ये हम उतर रहे हैं वापस, और इसकी स्टेयर्स और ये दीवारें आप देखें ना, बंदा दंग रह जाता है कि यार अनानूरी फोर्ट्रेस को इतना खूबसूरत और उस वक्त बगैर किसी टेक्नोलॉजी के इन लोगों ने इतना प्यारा और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। ये देखें कितना पतला रास्ता है, अगर आप ये रास्ता चेक करें ना, देखें एक आदमी गुजर सकते हैं, दो नहीं यार। आप तो पूरे जॉर्जिया में विजिट करें और इन जगह पर भी हो गया, और एक मुसलमान के लिए ये चीज़ें देखना बहुत ही डिफरेंट वे से हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोगों से ये स्पेस बिल्कुल नहीं होती जा रही है, और उस वक्त मिलिट्री वाले लोग इस तरह फटाफट ऊपर चढ़ते थे और ऊपर नीचे करते थे। ये देखो अब यहाँ से आगे जाएंगे हम लोग, ये इन लोगों के दरवाजे थे, ये देख रहे हैं इन लोगों के दरवाजे डोर्स, और ये हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और ये उस वक्त यहाँ पे उस वक्त बहुत ही अलग ही मंज़र होगा, अब तो ये इसको बहुत प्यारा कर दिया गया है यार। ये आप चेक करो यार, चेक करो भाई, आला आला है यार, आला है सुपर। मैं यहाँ से गिर ना जाऊँ, बहुत ही डेंजरस जगह है, इंतहाई डेंजरस है, आप इसको लाइट नहीं ले सकते, एक दफ़ा पाँव स्लिप हो गया लाजम एम्बुलेंस। ये देखो यार सुपर यार, यहाँ पे ये आप देख लें, अगर वो आपको हॉल नजर आ रही है, ये हॉल है,
ये हॉल होता था, यहाँ पे एक लकड़ी पूरी जिस तरह अभी आपने रूम का सिस्टम देखा है ना, इस तरह लकड़ी लगी होती थी और यहाँ पे वो लोग खड़े होकर देखें, ये भी सामने वाली जगह बंद कर दी है, इसको न्यू इन्होंने बंद करके ईंटें लगा के बंद कर दी है। पहले यहाँ पे इनके आर्मी सोल्जर जो खड़ी होती थी, खड़ी होके टिश्क्यों टिश्क्यों करती थी। देखें ये जगह इसी तरह यहाँ पे भी, यानी कि इसको बोलते हैं रूफ बना हुआ था, रास्ता बना हुआ था जहाँ से यानी ये लोग इजीली खड़े हो सकते थे। यानी कि ये एक फ्लोर वो नीचे है, ये दूसरा और ये तीसरा फ्लोर, यानी कि तीन फ्लोर बने हुए थे। अभी इन लोगों ने खोल के, शायद लकड़ियाँ बिल्कुल नाजुक हो गई थी इस वजह से इन लोगों ने ये हटा दी गई है। आगे ये रास्ता है, ओके, सब लोग यहाँ से जाते